हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गोरा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक गोल्डन रेज फॉर क्लास 10th। इस वीडियो के माध्यम से आज से हम लोग जो हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं वो प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पोइट्री सेक्शन जो गोल्डन डेज बुक है उसका अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। 4 जो पोम्स आपके हैं टोटल सिलेबस में, वो चारों की चारों अपलोड कर दी गई हैं। हालांकि इस वर्ष के सिलेबस में थोड़ा फेरबदल किया गया है कोविड-19 महामारी की वजह से, तो आप देख लीजिएगा उसको और जो पोएम आपके सिलेबस में है उनको अच्छे से तैयार कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पहला ड्रामा मीन्स क्या होता है, नाटक, जिसको हम लोग कई बार प्ले भी कहते हैं। तो ये जो ड्रामा है, बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने धरती को बचाया, वो पढ़ने वाले हैं। थोड़ा तो ड्रामा लंबा है तो इसको दो पार्ट में रखेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पार्ट सेकंड जो है वो अपलोड किया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से कौन से होने वाले हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब न किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूँगा। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देख लेते हैं पहले कि ये जो ड्रामा है वो किस बारे में है, इसके मेन आइडिया जो है वो क्या है। ये जो ड्रामा है, इट्स ड्रामा ऑफ कॉमेडी से क्या तात्पर्य हो गया, यानी ये एक हास्यास्पद नाटक है। यानी किस प्रकार से इस नाटक में मजाकिय तरीके से बताया गया है किताबों के महत्व के बारे में। और ये जो ड्रामा स्टेज शो जो किया जा रहा है वो 25th century का है, 25वीं सदी का। अभी कौन सी चल रही है, 21st चल रही है। तो 25वीं सदी में ये पीछे के टाइम में बताते हैं कि किस प्रकार से जो है 21वीं सदी में ये घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में। ये जो ड्रामा है आपके, उसमें क्या है, अ क्रू फ्रॉम प्लेनेट मार्स। क्रू यानी क्या होता है, दल, यानी सैन्य टुकड़ी या दल कह सकते हैं। फ्रॉम प्लेनेट मार्स, मार्स ग्रह से। मार्स कौन सा ग्रह है, मार्स यानी, या मार्स शब्द बार बार आएगा। मार्स जिस प्रकार से पृथ्वी एक प्लेनेट ग्रह है, वैसे के वैसे मार्स यानी मंगल ग्रह से लोग जो हैं, जिनके मुखिया कौन थे, कमांडर इन चीफ था जिनका, थिंक टैंक, उनका एक जो है दल, थिंक टैंक एंड हीज अप्रेंटिस नूडल, उसके साथ में थिंक टैंक के साथ में जो अप्रेंटिस शब्द बार बार आएगा। अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है, नौशिकिया, यानी जो नदान एनर्जी जिसको कह सकते हैं। Tried to attack our mother earth, हमारे जो मातृ ग्रह है धरती माता उसके ऊपर हमला करने का विचार बनाया था मंगल ग्रह के निवासियों ने, कैप्टन ओमेगा। और धरती पर आक्रमण करने से पहले जो है प्रॉब जांच के लिए 3 सदस्यीय दल उनका आता है, कैप्टन ओमेगा जिसमें कप्तान ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। Reached Earth and took shelter in a library. वो धरती पर जाते हैं, उनको भेजता कौन है, थिंक टैंक भेजता है इन 3 सदस्यों, कौन कौन बार बार ये आएंगे क्योंकि करेक्टर्स हैं, इनका परिचय होना आवश्यक है, ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। और वहाँ मंगल ग्रह पर कौन है, 2 सदस्य, एक तो थिंक टैंक और उसका साथी नूडल। वे लोग जब धरती पर पहुँचते हैं तो वे कहाँ पर लैंड करते हैं, दे लैंड इन अ लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय जो होता है, लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, पुस्तकालय, जहाँ पर खूब सारी क्या होती है, किताबें होती है। दे रॉन्गली डिकोडेड अ बुक, और वे गलती से वो उस पुस्तकालय की जो पुस्तकें होती है वे उनको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या वस्तुएं हैं, तो वे गलती से उसको डिकोड करते हैं, तो उस मदर गोज नाम की पुस्तिका है। बुक कौन सी है,
मदर गूज, और मदर गूज क्या है, एक प्राइमरी की जो है रैम बुक है, प्राइमरी की प्राथमिक कक्षाओं की छोटी कक्षाओं के बच्चों की रैम बुक है। रैम मीन्स क्या होता है, काव्य पुस्तक कह सकते हैं, या जिसमें छोटे बच्चों के लिए जो हास्यास्पद कविताएं होती है वो कविताएं इस पुस्तक में लिखती हैं, और इस पुस्तक को वे डिकोड करने की कोशिश करते हैं एंड बिकेम अफ्रेड, और उसको देख करके वो लोग अफ्रेड हो जाते हैं। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, भयभीत, इन डर जाते हैं। एंड दे रैन अवे फ्रॉम द अर्थ, और उस पुस्तक को पढ़ करके वो धरती से भाग जाते हैं। ये इसकी मेन आइडिया है, किस प्रकार से एक मार्स का मंगल ग्रह के 3 सदस्य दल जो है वो धरती पर आक्रमण करने की योजना बना करके जांच करने के लिए आता है, तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में इस प्रकार की पुस्तकों को देख करके वो लोग समझ नहीं पाते ये क्या चीज़ें हैं, और फिर वो डर करके वापस भाग जाते हैं और पृथ्वी पर आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं। इसी से ये जो है आपकी हेडिंग बनी है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किताब जिसने धरती को बचाया, और वो किताब कौन सी थी, द बुक वॉज मदर गूस। मदर गूस नाम की जो राइम बुक है, छोटे बच्चों की जो राइम बुक है वो किस प्रकार से धरती को बचा लेती है बाह्य लोगों के आक्रमण से, उसी के बारे में ये ड्रामा है। चलिए शॉर्ट में इसकी एक बार समरी भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। साथ में मैंने हिंदी भी दिए ताकि सब विद्यार्थियों के लिए आसानी रह सके। और नेक्स्ट जो वीडियो इसी चैप्टर का, इसी ड्रामा का अपलोड करूंगा पार्ट 2 में, तो उसमें आपके इस वीडियो के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। समरी क्या है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज एन एंटरटेनिंग ड्रामा, ये एक एंटरटेन करने वाला, एंटरटेन यानी क्या होता है, मनोरंजन करने वाला ड्रामा। ड्रामा मैंने बताया था, प्ले नाटक है, इन विच जिसमें थिंक टैंक, मुख्य किरदार जो है इनका मुखिया कौन है, थिंक टैंक कौन है, द रूलर ऑफ द मार्स, जो मंगल ग्रह का शासक है। थिंक टैंक ट्राइज टू इन्वेड द अर्थ, इन्वेड, इन्वेड क्या होता है, टू अटैक, इन्वेड मीन्स अटैक करना, अटैक मीन्स क्या होता है, हमला करना या आक्रमण कह सकते हैं। तो वो उनका सदस्य दल जो है धरती पर आक्रमण करने का विचार बनाता है। फॉर दिस, इसके लिए ही सेंड्स अ क्रू टू द अर्थ, और इसके लिए वह एक जो दल है सेना का, 3 सदस्य दल वो धरती पर भेजता है। द क्रू मेंबर्स इवेंचुअली एंटर अ लाइब्रेरी, और वो लोग क्या करते हैं, ये जितने भी दल जो आते हैं तो वो सदस्य अंततः आखिरकार कहाँ जाते हैं, एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जस्ट टू मिस इंटरप्रेट थी ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइब्रेरी में क्या होगी, बुक्स होगी, तो उन बुक्स को वो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं अब आता है कि ये चीज़ें हैं क्या, कि पहले कई बार उनको सैंडविच समझते हैं, फिर उसको जो है कम्युनिकेशन डिवाइस समझते हैं, यानी उनके लिए बड़ा आश्चर्य है कि ये है क्या चीज़। तो देयर मिस इंटरप्रिटेशन एंड अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द अर्थ लीड टू इमीडिएट ड्रॉप ऑफ देयर मिशन टू इन्वेड द अर्थ, और उनकी गलत व्याख्या की वजह से, और लैक मीन्स क्या होता है, कमी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी की वजह से, धरती के बारे में उनको ज्ञान था नहीं, और गलत व्याख्या की वजह से इमीडिएट जल्द ही ड्रॉप, त्याग देते हैं ऑफ देयर मिशन टू इन्वेड द अर्थ, धरती पर आक्रमण करने का जो उनका मिशन है उस मिशन का त्याग कर देते हैं। थिंक टैंक उनका जो मुखिया है इज शो स्क्रेड, वो इतना डर जाता है अबाउट इट दैट ही इमीडिएटली प्लान्स टू इवैक्यूएशन ऑफ द मार्स एंड रेडी फॉर सम अदर सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स, और जल्द ही वो जो है मंगल ग्रह को छोड़ करके इस यूनिवर्स ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय कर लेता है। कौन, थिंक टैंक। तो ये एक इसकी समरी है कि किस प्रकार से हास्यपूर्ण तरीके से, मजाकिया तरीके से, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि किताब ने धरती को बचा लिया, लेकिन इसमें मजाकिया अंदाज में बताते हैं कि ये जो मंगल ग्रह के निवासी है वो धरती पर आक्रमण करने का विचार करते हैं, और दूसरे ग्रह के निवासियों को सामान्य तौर पर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलियंस, यानी ऐसा निवासी जो किसी और ग्रह से आया हो वो क्या कहलाते हैं आपके, एलियंस। चलिए फिर जो है अब हम लोग जो है इस चैप्टर के ड्रामा के बारे में पढ़ने से पहले उसके जो मुख्य करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स मीन्स क्या होते हैं, पात्र, यानी इस ड्रामा में मुख्य तौर पर किन किन ने पार्टिसिपेट किया है उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से करैक्टर्स हैं,
करेक्टर्स में देखिए पहला जो है वो है आपके थिंक टैंक। थिंक टैंक का पहले भी हम लोगों ने परिचय देख लिया, थिंक टैंक कौन है, रूलर ऑफ द मार्स, रूलर ऑफ मार्स मंगल ग्रह का जो शासक है उनका जो मुखिया है जिसको कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं वो आपके कौन है, थिंक टैंक। थिंक टैंक के लिए बार बार आपके ड्रामा में शब्द क्या यूज में आएगा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट, ग्रेट यानी क्या होता है, महान, माइटी यानी सर्वशक्तिशाली, तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ द मार्स ये मंगल ग्रह का शासक है, इसी ने जो योजना बनाई थी, किस प्रकार की योजना, टू इन्वेट द अर्थ, धरती पर आक्रमण करने की, और उसी ने जो है सेंट क्रू ऑन अर्थ टू नो अबाउट द अर्थलिंग्स, और उसी ने जो है अर्थलिंग के बारे में जानने के लिए क्रू भेजा था। अर्थलिंग के बारे में आया तो अर्थलिंग बार बार शब्द ही आएगा, अर्थलिंग मीन्स क्या हो गया, अर्थलिंग मीन्स हो गया द पीपल ऑफ अर्थ, अर्थ यानी धरती, तो धरती के निवासियों के लिए बार बार शब्द आएगा अर्थलिंग, ये लोग जो है धरती के निवासियों को जब इंगित करेंगे तो उसके बारे में ये सब वर्ड यूज मिलेंगे। और जैसा कि इनके हुलिये से देख सकते हैं, महाशय के हुलिये से इनका जो है एक बड़ा सा आकार है, सिर का आकार थोड़ा सा बड़ा है, बड़े आकार में क्या है, अंडाकार है, यानी इनका सिर जो है वो है एग शेप्ड, एग, एग यानी क्या होता है, अंडा, अंडाकार सिर है, या जिसको कह सकते हैं बैलून, गुब्बारे के आकार का इनका मस्तिष्क है, इस प्रकार से लंबा लंबा, और दिखने में बड़े अजीब लगते हैं ये, है ना। तो ये इनके मुखिया हैं। फिर उसके बाद इनके सदस्य दल में और कौन है, इनके साथ में ही मार्स कंट्रोल सेंटर पर कौन है, अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है, नौशिकिया, नौशिकिया मीन्स जिसको कुछ पता नहीं हो, यानी शुरुआत में क्या कहते हैं हम लोग इसको, अनाड़ी कहते हैं, दो शब्द होते हैं ना, किलाड़ी अनाड़ी, अनाड़ी जिसको कुछ आता नहीं हो, अभी नया नया सीख रहा हो, तो ये नूडल जो है उसको ये नौसिखिया मानता है, उसका साथी है ये, किसका, थिंक टैंक का, उसका साथ में उसका डेप्यूटी है। अप्रेंटिस नूडल इज द ओनली इंटेलिजेंट मार्शियन हु इज अप्रेंटिस टू थिंक टैंक। ये अप्रेंटिस नूडल जो है वो ये उस ग्रह का, मंगल ग्रह का बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, लेकिन किससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, थिंक टैंक से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि थिंक टैंक मानता है कि सबसे ज़्यादा हैंडसम और सबसे अच्छा जो इस ब्रह्मांड में कोई है तो वो स्वयं है, थिंक टैंक। ही गिव्स यूजफुल सजेशन टू थिंक टैंक, वो उसको बार बार क्या देता है, सुझाव देता है, सजेशन यानी क्या होता है, सुझाव, थिंक टैंक को सुझाव देता है। एंड द क्रू सेंट ऑन द अर्थ, और धरती पे जो क्रू दल भेजा गया है उनको, और थिंक टैंक को बार बार सुझाव देने का, उसका सलाहकार का काम करता है, वो करता है नूडल, ठीक है। तो ये सेकेंड करेक्टर है। फिर देखिए इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि तीन सदस्य दल जो है वो भेजा गया था, उसमें कौन कौन थे, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। ये लोग जो हैं लैंड करते हैं, कहाँ पर करते हैं, धरती पर, एक लाइब्रेरी में लैंड कर जाते हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। दीज करेक्टर्स आर द मेम्बर्स ऑफ द क्रू, जो सदस्य दल भेजा जाता है उस दल के ये लोग सदस्य हैं। ऑन अर्थ धरती पर भेजा गया उसको बाई थिंक टैंक, किसके द्वारा भेजा गया था, थिंक टैंक, और किस काम के लिए, डिस्कवर मोर अबाउट ह्यूमंस, मनुष्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए। और वो जानकारी क्यों लेना चाहते थे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू इन्वेड द अर्थ, वे धरती के ऊपर हमला करना चाहते थे, इन्वेड कह सकते हैं या अटैक कह सकते हैं, ओके। उसके अलावा एक जो शुरुआत में किरदार आता है वो कौन सा है, हिस्टोरियन, इतिहासकार, इतिहासकार ही हम लोगों को जो 25th century में स्टेज शो हो रहा है उसमें हम सबका परिचय करवाता है, इस बुक से भी कि किस प्रकार से इस पुस्तक ने धरती को बचाया था। और ये घटनाक्रम कब घटित हुआ बच्चों, 2040 में, यानी 21st century में, अभी 21st century चल रही है तो उसमें 2040 में ये घटनाक्रम घटित होता है, जिसका बकान या इसके ऊपर स्टेज शो जो है 25th century में किया गया है, ठीक है। और
अब देखिए हिस्टोरियन क्या है, हिस्टोरियन जो इतिहासकार है, महिला है ये इतिहासकार, पर्सन हु टेक्स अस बैक टू द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में हमें वापस लेकर के जाती है, जब मार्शियन, मार्शियन शब्द किन के लिए आया है, पीपल ऑफ द मार्स, मंगल ग्रह के निवासियों के लिए, दे प्लान टू अटैक ऑन द अर्थ, जिन्होंने धरती के ऊपर आक्रमण करने का विचार किया था, लेकिन वे लोग फेल हो गए थे इस हमले में, क्यों हो गए, बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक, उन्होंने गलती से जो है उस पुस्तक की गलत व्याख्या कर दी थी, इस प्रकार से वो इन्वेजन डिडंट हैपन एट ऑल, आखिरकार वो हमला तो वास्तविकता में हुआ ही नहीं था, और बचा किसने लिया, एक किताब ने बचा लिया, किताब अभी आपको मैंने बताई थी कौन सी थी, मदर गूस, जो राइम बुक है, तो ये इसके मुख्य किरदार हैं जिन्होंने इस ड्रामा में रोल प्ले किया है, इसमें मुख्य है कौन, आपके थिंक टैंक, थिंक टैंक कौन है, कमांडर इन चीफ है मार्स ग्रह के, उसके साथ में वहाँ पर कौन है, नूडल है, और 3 सदस्यीय दल जो है वहाँ पर भेजा गया है धरती पर, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और ऊप, ठीक है, और ये इतिहासकार जो हमें शुरुआत में ड्रामा के शुरू होने पर हमें जो बताता है उस घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं, अब अपनी हर जो है पैराग्राफ वार, हर सीन वार एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन में हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, और इसके लिए मैंने इनके लिए बाकायदा नोट बनाने के प्रयास किए हैं, बाकायदा अलग अलग हेडिंग देकर के, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके। इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें निश्चित बाकायदा हम लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस प्रकार से इसके बेस्ट क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आए हैं, और महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हम सबके साथ में, आपके अपने स्मार्ट स्टडी के साथ में, निश्चित रूप से स्मार्ट स्टडी आप लोगों की स्टडी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाने वाला है। पहला ही दृश्य जो है इस ड्रामा का वो किस प्रकार का है, इसमें मुख्य तौर पर दो ही दृश्य हैं, सीन 1 और सीन 2। सीन 1 कहाँ का है, शुरुआती तौर पर लाइब्रेरी का, सॉरी उसे हिस्टोरियन का है, इतिहासकार के पास का, और इतिहासकार के साथ साथ वो जो है वो कहाँ का दृश्य दिखाएगा, मार्स का जो कंट्रोल रूम है उसका, और नेक्स्ट जो दृश्य होगा वो आपके कहाँ का होगा, उस लाइब्रेरी का, जहाँ पर वो तीनों सदस्य ओमेगा, ऊप और आयोटा लैंड करते हैं, ये मुख्य इसमें दृश्य रहेंगे। सीन 1 में क्या होता है, इट्स द 25th सेंचुरी, कौन सा समय है, 25वीं सदी का समय है, ठीक है, एंड द प्लेस इज म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, कौन सी जगह, मैंने अभी कहा था हिस्टोरियन जहाँ पर इतिहासकार बैठा हुआ वहाँ का समय ये प्लेस है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट, म्यूजियम संग्रहालय ऑफ एंशियंट, एंशियंट यानी क्या होता है, प्राचीन, पुराने समय का, हिस्ट्री यानी आप जानते ही हैं इतिहास, इट्स डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, और कौन से विभाग के बारे में ये बताया जा रहा है, 20वीं सदी के, यानी 21वीं सदी का जो टाइम है, घटनाक्रम 21वीं सदी का है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उस डिपार्टमेंट में जो धरती ग्रह है उस विभाग से ये घटनाक्रम घटित हो रहा है, हिस्टोरियन इज सिटिंग ऑन अ टेबल, वो टेबल पे बैठा हुआ है, और वो सामने मूवी प्रोजेक्टर चला करके सब अपने ऑडियंस को इस घटनाक्रम के बारे में बताता है, वो शुरुआत में परिचय करवाता है किस प्रकार से ये घटनाक्रम घटित हुआ, और धरती माता को किस प्रकार से एक बुक ने बचाया था। शुरुआत में ही ये इतिहासकार बताता है, ही सेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन 20th सेंचुरी, किस प्रकार से 20वीं सदी में जो है किताबें महत्वपूर्ण हुआ करती थी उनके बारे में, और शुरुआत में बताता है कि 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक, 20वीं सदी को ही किताबों का युग कहा जाता है। अब क्वेश्चन भी बनता है, वाई वॉज 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक, 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहते हैं, ईरा में क्या हो गया, युग यानी कालक्रम, महत्वपूर्ण कालक्रम 20वीं सदी को किताबों का काल क्यों कहलाता है। हिस्टोरियन ग्रीट्स, उसका क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, हिस्टोरियन ग्रीट्स द क्यूरियोसिटी ऑफ द 20th सेंचुरी, वो 20वीं सदी के उत्सुकता का स्वागत करता है, दर्शकों का स्वागत करता है, सी स्टेट दैट द 20th सेंचुरी वॉज ओपन कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक, वो बताता है कि किस प्रकार से 20वीं सदी किताबों का युग कहलाता था इन दोज डेज। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई, क्यों कहलाता था, तो 20वीं सेंचुरी वॉज कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक एज there were books about
एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए किताबें आपको 20वीं सदी में मिल जाती थी। व्हाट टू, व्हेन टू, व्हेन टू, हाउ टू, किस प्रकार से, कब, कौन, क्या, कैसे करना है, जीवन किस प्रकार से यापन करना है, हर पर्सन का आंसर जो है आपको मिल जाता था किताबों के माध्यम से। इसी वजह से इसको द 20th century वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, इसी वजह से इसको किताबों का युग कहा जाता था। दे टॉट द पीपल एवरीथिंग, किताबों ने, दे हियर रिफर्स टू द बुक्स, दे किन के लिए आया है, किताबों के लिए आया है। टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म है, है ना। दे टॉट द पीपल एवरीथिंग, किताबों ने लोगों को सब कुछ सिखा दिया। बट लेकिन सबसे 20वीं सदी में बड़ी अजीब घटना क्या घटित हुई, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी क्या होता है, आश्चर्य होता है, यानी अजीब कह सकते हैं। स्ट्रेंजेस्ट थिंग वॉज दैट अ बुक सेव्ड द अर्थ, लेकिन 20वीं सदी की सबसे आश्चर्यजनक घटना क्या है कि एक किताब ने धरती को बचा लिया था। तो ये शुरुआत में ही अपनों को इस और इंगित कर देते हैं कि किस प्रकार का ड्रामा आगे होने वाला है और क्या जो है इसका मुख्य मूल प्लेट प्लॉट रहेगा। और उसी के बारे में चैप्टर की शुरुआत में, ड्रामा की शुरुआत में ही सीन वन में ये बताया जाता है कि हाउ द बुक्स वर इम्पोर्टेंट इन 20th century, 20वीं सदी में किताबें किस प्रकार से महत्वपूर्ण थी। इसलिए तो बच्चों कहते हैं आप लोगों को किताबें पढ़ा करें, एक अच्छी किताब जो है वो 100 लोगों के बराबर है, मतलब किस प्रकार से उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ होता है किताब में। किताब से पढ़ पढ़ कर ही लोग बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद घटनाक्रम में क्या घटित होता है। उसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से, हाउ अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक किस प्रकार से किताब ने बचाया, बताया धरती माता को बचाया। द स्टोरी रिलेट्स टू द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014, और कहानी किससे रिलेटेड है, मार्शियन मंगल ग्रह के इन्वेजन यानी आक्रमण हमले से जो है, और वो कब घटित हुआ, इन 2014। अब आप समझ रहे होंगे 2040 अभी तो आया ही नहीं, लेकिन ये घटनाक्रम जो है वो 25वीं सदी में घटित होने वाला है। तो ये फ्यूचर को देख करके हास्यपूर्ण तरीके से जो इस बात को बताया गया है। बट इट नेवर हैपन, लेकिन वास्तविकता में वो इन्वेजन कभी हुआ ही नहीं, वो हमला हुआ ही नहीं। हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये किताब ने उसको रोक दिया। अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, एकमात्र किताब ने इस हमले को रोक दिया। इट वॉज नॉट ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, अब आप सोच रहे होंगे ये किताब ऐसी कौन सी किताब होगी, कोई वास्तव में जो है ज्ञान से भरी हुई कोई नैतिक विचारों की किताब होगी जिससे उनका जमीर जाग गया हो, ऐसी कोई किताब थी, या कोई रॉकेटों की थी, मिसाइलों की किताब थी। बड़ी अजीब बात है, लेकिन शुरुआत में ये स्टोरी बताता नहीं है कि किताब कैसी थी, तो हम भी क्यों बताएं, है ना। शुरुआत में हालांकि परिचय बता तो दिया, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि ऐसी क्या किताब थी जिसने धरती पर आक्रमण होने से बचा लिया, धरती माता की रक्षा कर ली। चलिए जानते हैं आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है धरती आक्रमण से बचती है। और पहले ही दृश्य में द माइटी थिंक टैंक इज शोन, थिंक टैंक को दिखाया जाना। ये बातें बताने के बाद हिस्टोरियन जो है वो अपने प्रोजेक्टर को स्टार्ट करता है और फिर उस घटनाक्रम को बताना प्रारंभ करता है जिसमें इस प्रकार से किताब ने बताया, बचाया था धरती माता को। और थिंक टैंक का परिचय मैंने करवा ही दिया है, कौन है, ही इज़ द चीफ ऑफ मार्स, व मार्स का मुखिया है, मंगल ग्रह का मुखिया कौन है, थिंक टैंक है। द हिस्टोरियन देन टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर, उसके बाद प्रोजेक्टर को स्टार्ट करता है, स्पॉटलाइट जो प्रकाश बिंदु है वो थिंक टैंक पर पड़ता है। अब थिंक टैंक दिखने में कैसा, अभी देखा भी था हमने, ही हैज अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है, वेरी लार्ज, जो बहुत बड़ा हो। एग शेप्ड हेड, अंडाकार, अंडाकार और बड़े बेलून आकार का उसका सिर है। ही वियर्स लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स और सर्कल्स, बड़ी सी उसने जो है धागा कह सकते हैं, रस्सी अपने गले में लपेट रखी है जिसके ऊपर लटके हुए क्या है, डेकोरेट किस सजी हुई, तारों से है ना। अप्रेंटिस नूडल, उसके साथ में कौन है, अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिहाइंड हिम एट स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पर ही अप्रेंटिस नूडल उसके साथ में है। और कौन सी जगह है, इट्स मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र है। और थिंक टैंक इज इट्स कमांडर इन चीफ, और उनका मुखिया कौन है, थिंक टैंक है। तो शुरुआती तौर पर परिचय करवाया जाता है थिंक टैंक और उसके साथ ही नूडल का। तो थिंक टैंक जो है मार्स स्पेस कंट्रोल रूम का मुखिया है, जिसने जो है सदस्य दल को भेजा था धरती पर आक्रमण करने के लिए। और उसका आकार बड़ा अजीब प्रकार का है, बेलूनाकार उसका सिर जो है बड़ा सा, और
इसमें जो है उसके मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा है, अजीब प्रकार के, यानी धरती दूसरे ग्रह के निवासी हैं तो उनका रूप जो है वो अजीब प्रकार का है। चलिए फिर देखते हैं आगे घटनाक्रम क्या घटित होता है। थिंक टैंक एंड नूडल, थिंक टैंक और नूडल जो उसका साथी है, नूडल कौन है, नूडल इज डिप्यूटी और टू थिंक टैंक, वो थिंक टैंक का जो है दूसरा सहयोगी है, साथी है। वो लोग क्या बातचीत करते हैं, उनके बीच के वार्तालाप को देखते हैं। नूडल जो है शुरुआत में ग्रीट अभिवादन करता है, किन का अभिवादन करता है, लेकिन बड़ी मजाक के तरीके से आप देखेंगे कि वो साधारण अभिवादन कर देता है, यानी सीधा ही जो है नमस्कार या सीधा ही बोल दिया, तो इस प्रकार से वो खुश नहीं होता है। थिंक टैंक अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, तो वो कहता है कि अभिवादन थोड़ा अजीब प्रकार से विशेष रूप से करो। तो उस कंडीशन में, और पहले समय में भी आपको पता ही, राजा महाराजा को बड़ी बड़ी उपाधियां लेने का, उनको अपने नाम के साथ में खूब सारे जो है एडजेक्टिव लगा करके, उसकी जो है उपमा जो है वो लगा करके बुलवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसे बोलते हैं राजा धीराज, महाराजा धीराज, इस प्रकार की उपाधियाँ, प्लांट जी, ढींगड़ जी पधार रहे हैं, इस प्रकार से उसकी बड़ी सी बोली लगती थी। तो वैसे ही थिंक टैंक भी चाहता था कि उसका अभिवादन विशेष रूप से हो, तो उसको वापस भी बोलता है नूडल को, सही तरीके से बोल। फिर वो नूडल जो है थोड़ा सा जो है उसमें मक्खन लगा करके बोलता है, फ्लैटरी करके, यानी थोड़ी सी चापलूसी करते हुए, तो वो खुश होता है। उसके बाद वो नूडल जो है उसे क्या पूछता है, आस्क्स फॉर हीज ऑर्डर, वो उससे पूछता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या आदेश है। तो थिंक टैंक आस्क नूडल टू लेट हिम टॉक विथ देयर मैन स्पेस प्रोब टू द प्लैनेट अर्थ, वो क्या कहता है, नूडल से कहता है कि लेट हिम टॉक, मेरी बात करवाओ, विथ देयर मैन स्पेस प्रोब टू द प्लैनेट अर्थ, धरती ग्रह पर मानव द्वारा संचालित जो आकाशयान, जिस यान में वो लोग गए हैं प्लैनेट धरती पर, पृथ्वी ग्रह पर, उस सदस्यों से मेरी बात करवाओ, क्रू जो मेंबर्स हैं उनसे मेरी बात करवाओ। और आपको पता ही है उस क्रू में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, कौन कौन, ओमेगा लेफ्टिनेंट सॉरी कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट उप, तो उनसे मेरी बात करवाओ। थिंक टैंक सेज दे आर सून गोइंग टू टेक इट ओवर, वो लोग जल्दी ही, दे आर गोइंग टू टेक इट ओवर, टेक इट ओवर मीन्स क्या होता है, कब्जे में लेना। किसको कब्जे में लेने वाले थे वो लोग, अर्थ को, कि जल्दी धरती पर कब्जा कर लेंगे। ही आल्सो आस्क हिज मिरर, और उसके बाद वो अपने काज से भी बात करता है, कौन, थिंक टैंक जो है वो काज से बात करता है, काज से पूछता है सबसे हैंडसम कौन है, सबसे होशियार कौन है, और वो उनकी योजना के बारे में बताते हैं। उसके बाद ड्रामा में उनकी योजना क्या थी, व्हाट वॉज देयर प्लान, उनकी योजना कौन थी, सॉरी क्या थी, What was their plan? उन लोगों की योजना क्या थी, तो their plan was to invade the earth, उन लोगों की योजना क्या थी, their plan was to attack the earth and take it over, धरती के ऊपर हमला करके उसके ऊपर अधिकार जमा लेने की योजना थी। Think tank asked the mirror who is the most gifted being in the land, फिर उसके बाद वो काज से पूछता है कि इस धरती पर सबसे अच्छा गिफ्टेड, जिसको जो है सबसे उत्तम व्यक्ति कह सकते हैं, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, और मिरर जो है उसका जवाब देता है कि सबसे उत्तम और सबसे भाग्यशाली अगर कोई है तो वो कौन है, थिंक टैंक है। फिर वो मजाक के रूप से ये भी कहता है कि इतना देरी से जवाब कैसे दिया, अगली बार थोड़ा तेज़ जवाब देना। ही आस्क इफ द मार्शियन आर नॉट मोर हैंडसम रेस देन द अगली अर्थलिंग्स, अब ये उसके धरतीवासियों के बारे में विचार को भी बताता है। वो ये भी कहता है कि क्या हम मंगल ग्रह के निवासी मोर हैंडसम, ज़्यादा सुंदर नहीं है क्या, रेस, रेस यानी जाति कह सकते हैं, प्रजाति कह सकते हैं, तो हम क्या उन अगली यानी बद्दे अर्थलिंग्स, यानी मैंने पहले भी बताया था किसके लिए यूज़ हो रहा है, पृथ्वीवासियों के लिए। वो कहता है कि क्या हम मंगल ग्रह के निवासी पृथ्वीवासियों से ज़्यादा सुंदर नहीं है। ही आस्क नूडल टू कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, उसके बाद वो नूडल से कहता है कि मेरी बात करवाओ उनसे, दे आर गोइंग टू टेक दी अर्थ बिफोर लंच, और लंच से पहले पहले हम लोग धरती के ऊपर आक्रमण कर देंगे, ऐसी वो योजना बनाते हैं। फिर देखिए अगले घटनाक्रम में क्या घटित होता है। ये तो था दृश्य एक, जिसमें उनकी योजना के बारे में पता चलता है, व्हाट वॉज देयर प्लान, देयर प्लान वॉज टू इन्वेड द अर्थ एंड दे हैड सेंट अ क्रू इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, टू अटैक ऑन द अर्थ, वो धरती पर आक्रमण करने के लिए 3 सदस्यों को भेजते हैं। दूसरा दृश्य कहाँ का है,
अब इसमें मुख्य रूप से रहेगा एक तो स्पेस मार्स स्पेस कंट्रोल और दूसरा जो है सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी। सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पर कैप्टन ओमेगा और उसके साथियों ने लैंड किया था, जहाँ पर वो लोग उतरे थे धरती पर, तो वो उस पब्लिक लाइब्रेरी में उतर जाते हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स। कैप्टन ओमेगा जो है उनका मुख्य कैप्टन है उस दल का, वो बार बार वहाँ पर बीच उस दृश्य में खड़ा है और जो भी उसके कैटलॉग ड्रॉर्स बनाए हुए हैं, सूची पत्र जो उसके दराज है, उन दराजों को बार बार खोलता और बंद करता है। उसके साथ में लेफ्टिनेंट एयोटा इज अप लेफ्ट उसके बाई ओर खड़ा है एंड सार्जेंट उप जो है उसके दाई ओर खड़ा है और पुस्तकों के पन्नों को पलट रहे हैं वो लोग खड़े खड़े। तो इस प्रकार से दृश्य दो प्रारंभ होता है और दृश्य दो के प्रारंभ में ही थिंक टैंक और उनका कैप्टन जो ओमेगा क्रू का जो कैप्टन है वो आपस में बातचीत करते हैं। उनके बीच में बातचीत को कौन स्थापित करता है? नूडल जो है। नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट ही सीज द स्पेस क्रू। उसने मैं संपर्क साधने के लिए कहा तो उसने कहा मुझे चालक दल को देख रहा है एंड ही आस्क फॉर मेकिंग वॉइस कॉन्टैक्ट। उसके बाद वो उनसे बात करने का प्रयास करता है। नूडल कॉल्स फॉर कैप्टन ओमेगा टू गिव देम देयर लोकेशन। सबसे पहले वो उनसे क्या पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं, लोकेशन के बारे में बताइए। और कैप्टन ओमेगा कहता है कि हम लोग धरती पर पहुँच चुके हैं बिना ज़्यादा देरी किए, तो बिना किसी जो है देर के हम लोग धरती पर पहुँच चुके हैं। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड सीन वी सी दैट द क्रू मेंबर्स हु वेंट देयर टू इन्वेड द अर्थ है रीच द अर्थ एंड दे लैंडेड इन अ लाइब्रेरी। वो लोग देखते हैं हम लोग शुरुआत में किस प्रकार से धरती पर आक्रमण करने के लिए जो सदस्य दल गया था वो एक लाइब्रेरी में एंटर होते हैं और वो धरती पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो लोग जो है धरती पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और वो उनकी योजना किस प्रकार से फेल हो जाती है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।